लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी देखने को मिली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। 117 विधानसभा सीटों में से आपके खाते में 92 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 3 और बीजेपी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी विधानसभा सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। पंजाब में आपकी जीत पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के अंदर कुर्सियां हिल गई हैं, ये बहुत बड़ा इंकलाब है। पंजाब वाले हो तो उसी कमाल कर देता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की आंधी में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में राज्य में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींडसा, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम सिंह मजीठिया सहित पंजाब की राजनीति के कई अन्य दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब चुनाव में 2 सीटों से मैदान में उतरे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। चन्नी ने भदौड़ और चमकौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों जगह आप प्रत्याशियों ने उन्हें मात दे दी। इसी तरह पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस बार अपने ही गढ़ पटियाला नगर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुक्तसर जिले में अपनी पारंपरिक लंबी सीट से चुनाव हार गए हैं। प्रकाश सिंह बादल को 11,000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे और श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। सुखबीर सिंह जलालाबाद की सीट से अपने प्रतिद्वंदी जगदीप कंबोज से 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। अमृतसर ईस्ट में आपकी जीवन ज्योत कौर ने कांग्रेस के बड़े फेस नवजोत सिंह सिद्धू को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। अमृतसर ईस्ट पर आपकी जीवन ज्योत कौर को 39,520 वोट मिले, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 32,807 वोट मिले। इसी सीट पर श्रोमणी अकाली दल के विक्रम मजीठिया तीसरे नंबर पर रहे।